भजन संहिता 107 उसका 33 पद में कुछ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, वही मेरे पैरों को हिरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। अमेन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है। परमेश्वर पिता धन्यवाद ही है परमेश्वर तेरी अपार करुणा के लिए, परमेश्वर तेरी उस भलाई के लिए धन्यवाद प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दी है। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर कि आप प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, पिता परमेश्वर दयालु परमेश्वर है प्रभु, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करना में परमेश्वर है। पिता हम आपकी तारीफ आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तारीफ बड़ाई और आदर के योग्य आप है परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके बेशकीमती लहू के लिए प्रभु, जो हमें हमारी हर एक बीमारियों से, हमारे हर एक बंधनों से हमें छुटकारा देता है, हमारे पापों से हमें धोता है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने प्रभु हमारे लिए इस धरती पर आए प्रभु, और हमारे लिए प्रभु जी आपने अपने प्राणों को दिया ताकि हम प्रभु अपने पापों की क्षमा पाए। परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए प्रभु मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, कि जो लोग प्रभु अपनी परेशानियों में हैं, अपनी विपत्तियों में पड़े हैं परमेश्वर पिता, और उनको कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही है परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि आप हमारे पैरों को हिरणियों के पैरों के समान कर देंगे और आप हमें ऊंचे ऊंचे स्थानों में नियुक्त करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद, उनकी परेशानियों से छुटकारा देकर परमेश्वर आप उनको हर एक गलत बातों से निकाल कर प्रभु एक सही जगह उन्हें पहुंचाए। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर जो आज के दिन में परमेश्वर बहुत बीमार रहे प्रभु, और उनके शरीर में बहुत सारी दिक्कत परेशानी रही परमेश्वर पिता, और बीमारियों से परेशान होकर परमेश्वर वो हताश हो गए परमेश्वर प्रभु। उन सब बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि किसी भी प्रकार की बीमारी है परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो हर एक बीमारी हम डांट कर आज्ञा देते हैं कि उनके शरीर को छोड़कर चली जाए प्रभु। हर एक कैंसर की बीमारी, हर एक माइंड की बीमारी, हर एक हड्डियों की बीमारी, हर एक स्टोन की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से चली जाए, हर एक डायबिटीज उनके जीवन से चला जाए। प्यारे प्रभु जी आपके लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है, क्योंकि आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु, चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, या वह राफा है परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने आप तेरी दुर्बलताओं को ले लिया और तेरी बीमारियों को उठा लिया। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जी जो लोग प्रभु अपनी जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए परमेश्वर टेंशन में है परमेश्वर, आप प्रभु जी उन्हें ऊंचे स्थानों में नियुक्त करें परमेश्वर, आप उनके लिए रास्तों को तैयार करें परमेश्वर पिता, और प्रभु हर एक प्रभु जो उनको नीड है प्रभु, जो उनकी वांट्स है परमेश्वर, आप उनको उनके लिए पूरा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु कि आपने उनके लिए मार्गों को खोल दिया है प्रभु, आपने प्रभु अच्छी अच्छी जॉब उनको दे दिया है परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं कि आप दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो फ्यूचर्स की टेंशन कर रहे हैं परमेश्वर, हम उनकी सारी चिंताओं को पिता आपके हाथों में दे देते हैं कि आप उनकी चिंताओं को दूर करके परमेश्वर अपनी शांति और आनंद से उन्हें भरे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने भी लोग प्रभु अपने घर को बनाने के लिए चिंतित है परमेश्वर पिता, और प्रभु बहुत सारे यत्न वो करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी आप परमेश्वर उनके लिए प्रभु घरों को बनाए परमेश्वर, और आप के आप उन्हें प्रभु एक अच्छे जगह में, एक अच्छे स्थान में उन्हें नियुक्त करें परमेश्वर, जो उनके लिए बेस्ट प्लेस है परमेश्वर, वहां पर उनको घर बनाने के लिए प्रभु आप प्रभु जी उनके लिए योजना बनाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिन लोगों पर कर्जा है परमेश्वर पिता, आप उनके कर्जों को दूर करें प्रभु, आप उनको कर्जों से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सच में आपने प्रभु उनके लिए उपाय कर दिया है, क्योंकि आप यहोवा यीरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप प्रभु उस कर्जों से प्रभु उन्हें प्रभु आजादी दे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए प्रभु जो गर्भ की आशीषों के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रही हैं प्रभु, अब बहुत सालों से परमेश्वर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए प्रभु, और पिता क्योंकि आपका वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है परमेश्वर, आप प्रभु ने गर्भ की आशीषें दे परमेश्वर। प्रभु जिस किसी का भी परमेश्वर प्रभु मिसकैरेज हो जाता है प्रभु पिता, उनके लिए भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका गर्भ ठहर जाए यीशु मसीह
नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहनों के लिए प्रभु जो अपनी शादी के लिए चिंतित हैं। प्रभु आप उनकी शादियों के लिए प्रभु गुड प्लानिंग्स को बनाए परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, एक अच्छे लाइफ पार्टनर्स को आप उनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जो आपने रखा है प्रभु वो बेस्ट है। परमेश्वर पिता, जो आप हमारे लिए सोचते हैं, जो कल्पनाएं आप हमारे लिए करते हैं परमेश्वर, वो बेस्ट है, क्योंकि आप हमेशा हमें अच्छे स्थान में नियुक्त करना जानते हैं परमेश्वर। प्रभु आप उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर परमेश्वर उनकी इच्छाओं को पूरा करें परमेश्वर, उनके मनोरथों को पूरा करें परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, उन बुजुर्गों के लिए परमेश्वर जिन्हें जॉइंट्स पेन रहता है परमेश्वर, आप प्रभु उनकी हड्डियों की रक्षा करें परमेश्वर पिता। आप उनको छू लीजिए प्रभु और चंगा करें परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु इस समय परमेश्वर वो आपकी नाम की बड़ाई, आपके नाम की प्रशंसा कर पाए परमेश्वर। प्रभु उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जिन लोगों के घर में झगड़े कलेश बने रहते हैं परमेश्वर, आपसी प्रभु आपस में प्रभु एक दूसरे के प्रति जलन की भावना रहती है, एक दूसरे के प्रति प्रभु हमेशा गलत भावना को रखते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह आप उनके परिवार में आ जाइए परमेश्वर, हर एक दुष्ट के कामों को उनके परिवार से प्रभु हम कैंसल आउट करते हैं परमेश्वर, हर एक कलेश प्रभु, हर एक गलत भावनाएं यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर करते हैं। प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए, अपने प्रेम को, अपनी भलाइयों को प्रभु आप उस परिवार में दीजिए, ताकि प्रभु वो पूरा परिवार मिलकर आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु उन लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, जिन पर परमेश्वर कोर्ट केस चल रहे हैं और प्रभु उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां बनी हैं परमेश्वर, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर कि आप प्रभु जी उन गलत रास्तों से निकाल कर परमेश्वर उन्हें एक अच्छे स्थान में नियुक्त करें परमेश्वर पिता, उनकी टेंशन को दूर करें प्रभु, उनके केसेस को सॉल्व होने में मदद करें परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जो अपनी स्टडीज कर रहे हैं प्रभु, जो अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, आप उन लोगों को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दे परमेश्वर, आप प्रभु उनको एग्जाम अच्छा करने में प्रभु जी बुद्धि दें प्रभु, ताकि वो अपने एग्जाम को क्वालिफाइड करके परमेश्वर पिता अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सके परमेश्वर पिता। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं प्रभु कि आज पूरी शाम में आपने हमें संभाला प्रभु, और पिता परमेश्वर हर एक खतरे मुसीबतों से आपने हमें बचाया प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम।